गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। देख ही रहे हो कितना खराब मौसम है। बाइक की हालत कुछ ऐसी है। मजा आया? फट रही है। फुल हो गई टैंक। तो कभी आपने ऐसा व्यू देखा है? इसका पेट नहीं भरता बिना वेज नॉन वेज के। ऊपर से पत्थर गिरे भाई साहब। गेटवे ऑफ किन्नौर। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। तो अभी हम हैं शिमला में। मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं। तो यार रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है शिमला में। अच्छा हुआ सुबह नहीं हो रहा है। तो हमें निकलना है अभी। तो आज का टारगेट जो है वो है चितकुल तक का। चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अभी वहाँ का टेम्परेचर जो चल रहा है वो -4 degrees है। तो बहुत ही दिक्कत जाने वाली है, लेकिन जाना तो है ही। और बारिश भी हुई है तो स्लिपरी भी होगा रोड। तो चलते हैं, अब करते हैं ब्रेकफास्ट, बाहर जाके चेकआउट करते हैं रूम से, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो चलिए बाय तब तक के लिए। सुबह के 11 बज रहे हैं, हम अभी तक निकल पाए नहीं हैं। तो तब तक सोचा कि चाय पी ली जाए। तो देख ही रहे हो कितना ख़राब मौसम है। कुछ दिख ही नहीं रहा है अच्छे से। तो चलिए क्लियर हो जाए वेदर, फिर निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं कितने बजे तक होगा क्लियर। तो बात ऐसी है कि मौसम हो चुका है क्लियर और काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है बारिश के बाद। मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं, लेकिन जाना तो ये ऐसे लेट हो चुके हैं। तो चलते हैं ऊपर। ऊपर रखिए अपनी बाइक। तो ये रही बाइक, ये रहा व्यू, ये रही रोड। चलिए चलते हैं भाई। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। अरे यार मैं तो खाला हो जाऊंगा। तो काफ़ी टूरिस्ट खड़े हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो चलते हैं आगे, अब यहाँ से चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। तो भाई साहब ये दिल्ली रोड देख रहे हो, इसी पे ही एक्सीडेंट होते हैं, खासकर टर्निंग पे। टर्निंग करते टाइम अगर ब्रेक लगा दिया तो समझ ही जाओ फिर। ज़बरदस्त व्यू है यार, मन कर रहा है यहीं पे टेंट लगा के रुक जाऊँ 2-4 दिन। काफ़ी भीड़ है नारकंडा रोड। जाम हुआ पड़ा है भाई साहब। क्या शादी हो रही है। बाइक की हालत कुछ ऐसी है। ये रहा व्यू शिमला टू नारकंडा रोड। ये सक्सेना जी। तो सही मजा आया? फट रही है। ठंडी बहुत ज्यादा है यार। हो गया फुल हो गई टैंक। 800 होगा तेरा में गया, 800 का मेरा में गया। 800 800 1600। ये रही अपनी बाइक, ये रहा व्यू, देख लो। बहुत ही अच्छे लोकेशन पे बना है पेट्रोल पंप। चलते हैं अब। तो कभी आपने ऐसा व्यू देखा है? इसके आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो घर वाले मुझे फिर से ट्रिप पे आने नहीं देंगे। तो
तो देख ही सकते हो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये एप्पल के ट्रीज है जिसको ऐसे ढका जाता है पता नहीं क्यों। और ये है अपने एक्सप्लोरर आनंद। तो चलते हैं, अब इसके आगे तो जाने वाला नहीं हूँ, अब रोड से जाना है आगे। ये रोड है अब हो चुका है टाइम लंच का। रास्ते में एक कोई रेस्टोरेंट मिला है तो चलते, खाना आ चुका है, आ भी गया इतना जल्दी। डिलीवरी फास्ट है। ये मंचूरियन, एग राइस, वेज फ्राइड राइस, इसको तो जानते ही हो कौन है। इसका पेट नहीं भरता बिना वेज नॉन वेज के, तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी ना, मैं तो वेज ही खाऊंगा। मैं तो नॉन वेज खाऊंगा। यहाँ पे हुआ लैंडस्लाइड, पाइप फट चुका है पानी का, जैसा आपको दिख रहा होगा। ऊपर से पत्थर गिरे भाई साहब, समझ सकते हो कितना खतरनाक रोड है। और ये पाइप फट गया है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। लैंडस्लाइड हुआ है आई थिंक, वही साफ कर रहे हैं। पता नहीं कितना देर लगेगा, देखते हैं, शायद हो जाएगा 5-10 मिनट में। ये है वो गेटवे ऑफ की नॉर्थ जिसके फोटोज आपने बहुत देखे होंगे इंस्टाग्राम पे। तो जी हाँ, अभी हम हैं रूम में। कौन सी जगह है? टापरी। टापरी तो हम चितकुल तो पहुंच नहीं पाए ड्यू टू हैवी रेन, तो वेदर बहुत ही डाउन था। तो चितकुल हो सकता है हमें बाईपास करना पड़े, और हम जाएंगे कल काजा के लिए। अभी तक का जो प्लान है कि हम जाएंगे काजा के लिए कल। तो इसी तरह आज डे टू एंड होता है, तो मिलते हैं कल सुबह नई सुबह के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।